संगीत और सम्मान के साथ रक्तदान की सेवा में कार्य कर रही 11 संस्थाओं को सम्मानित किया। कला भारती के विद्यार्थियों की संगीतमय प्रस्तुति अलवर डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से नेक कमाई के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर अपने आप में अनोखा रहा। शिविर में कला भारती के विद्यार्थियों ने साबिर के नेतृत्व में संगीतमय प्रस्तुति दी और अलवर में पहली बार रक्तदान के सेवा कार्यों से जुड़ी 11 संस्थाओं को एक मंच से सम्मानित किया गया, जिससे यह कार्यक्रम सैकड़ों लोगों के लिए यादगार बन गया। माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट में रक्तदान शिविर सुबह 8 बजे शुरू हो गया था, जिसको लेकर लोगों में उत्साह था। शिविर में अतिथि अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने कहा कि यह पहला रक्तदान शिविर है जिसमें संगीत, अध्यात्म और सम्मान का मिलन है। इस शिविर में युवा रक्तदान करने और बच्चे अभिभावकों के साथ देखने आए हैं, जो शुभ संकेत है। मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव ने कहा कि युवा जब समाज सेवा की ओर अग्रसर होगा तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन होगा। इस मौके पर सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत ने रक्तदान को सराहनीय कार्य बताया। संत सुदर्शनाचार्य ने कहा कि दान में श्रेष्ठ दान रक्तदान है। नेक कमाई और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने स्वागत किया। संयोजक आशुतोष शर्मा ने शिविर के बारे में जानकारी दी। समाज सेवी दौलत राम हजरती ने अध्यक्षता की। नेक कमाई टीम के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने स्वागत भाषण किया। मंच संचालन गुरप्रीत सिंह निक्का और जितेंद्र साबरी ने किया। इस मौके पर अजय आनंद गोयल, नारायण सेवा संस्थान से जिला प्रभारी आरएस वर्मा, यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक अशोक आर्य, बीबी गौतम, सत्यभान यादव, सौरभ कालरा, अधिवक्ता विष्णु चावड़ा उपस्थित थे। इनका हुआ सम्मान। शिविर में रक्तदान के सेवाभावी कार्यों में वर्षों से काम कर संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें अर्चना फाउंडेशन, लाइफ सेवर टीम, कनिष्का फाउंडेशन, रक्तदाता युवा ग्रुप, दक्ष वेलफेयर सोसाइटी, संत निरंकारी मंडल अलवर, तीर्थंकर, नवयुवक जैन सेवा समिति, अहिंसा एकता ग्रुप समिति, विजन संस्थान, धार्मिक सेवा परिषद और गार्गी वुमेन वेलफेयर क्लब है। शिविर में 111 यूनिट रक्तदान हुआ, जो शाम तक चल रहा था। इस मौके पर कला भारती की टीम को भी सम्मानित किया गया। इनमें जितेंद्र साबिर के निर्देशन में काम कर रही टीम में चिन्मय पाराशर के नेतृत्व में फरान, राहुल, प्रदीप गुप्ता, नवीन चौधरी, गरिमा शर्मा, संजना, श्रेयांश, डिंपल, शुभम सोनी, हेमंत प्रजापत, असगर खान, सुनील प्रजापत आदि ने सम्मान ग्रहण किया।